कब जाएंगे ये? शाम को नहीं तो कल। ये न्यूज 18 लोकमत शाम टीवी। ले लो मेरा नाम शाहजोर शेख है, मैं मिर्ची का व्यापारी हूँ। ये ताज भाजी मंडी स्टेशन के पास आती है। और जो आपके पास लहसुन है उसके प्राइस क्यों बढ़ती जा रही है, क्या उसका कारण है? लहसुन का कैसा है भैया, पहले 2 महीने पहले 18,000 भाव था, अब जगह पर 32,000 30,000 31,000 माल देख के रेट है। वातुक का प्रॉब्लम है, प्लस माल जो पहले का था वो शॉर्टेज हो गया है। इसके वजह से थोड़े थोड़े मोटे बड़े बड़े इशू होने की वजह से ना माल लहसुन का बढ़ गया रेट। अभी कैसा किलो है, कितना? अभी फिलहाल को 400 रुपये किलो हम होलसेल बेच रहे हैं यहाँ पे, और यार्ड में मिलता है हमको 320 या 300 रुपये किलो या नीलों के हिसाब से मिलता है माल। तो और इसके बाद भी रेट बढ़ने के चांसेस है क्योंकि माल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो हिसाब से अभी और रेट बढ़ेगा लहसुन का। ऐसे ही नहीं कि लहसुन का रेट बढ़ा है, अदरक अपना कोथिंबीर का रेट बढ़ा है, मेथी का रेट बढ़ा है, हर भाजी पहले का भी रेट बढ़ा है। लहसुन का भी तो पहले जो था 400, पहले 400 भी हुआ था, बीच में वापस से और 400 रुपये होगा। अभी ग्राहक आते हैं कि नहीं? ग्राहक आते हैं, आपको कैसा है खाने के लिए तो ये चाहिए, घर में खाना तो रेगुलर लगता ही है, कोई भी रहने गरीब रहने अमीर रहने ये तो चीज़ लगने वाली है। कोई भी भाजी पाला रहो या लहसुन रहो अमली रहो राशन रहो कुछ भी रहो, ये आम से आम आदमी को लगना ही लगना है, तो मजबूरन ग्राहक को लेना ही पड़ता है। भले आधा पाव किलो क्यों ना, आधा ग्राम आधा पाव या 100 कम से कम 100 ग्राम तो ग्राहक लेता ही है, वैसा रहता है। तो मार्केट कमेटी के हाथ में अभी लहसुन सस्ता करना।